देश के नए गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे को सांसद जया बच्चन पर टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में माफी मांगनी पड़ी। असम में हिंसा को लेकर गृह मंत्री के जवाब के दौरान जब सांसद जया बच्चन ने कुछ सवाल उठाए तो गृह मंत्री ने उन्हें ये कहकर रोकने की कोशिश की कि ये गंभीर मसला है, कोई फिल्मी बात नहीं। राज्यसभा में असम में हिंसा पर चर्चा के दौरान सुशील कुमार सिंधे जवाब दे रहे थे, तभी जया बच्चन ने उनसे कुछ सवाल कर दिए। इस पर शिंदे ने क्या कहा ये आप खुद ही सुन लीजिए। अरे सुनो सुनो बहन, मेरी बहन सुनो, प्लीज प्लीज सुनो मेरी बहन, जरा सुनो, ये बहुत चिंता का विषय है, ये फिल्म का विषय नहीं है, जरा सुनिए प्लीज। ये आप इंटरप्ट ना करें। शिंदे की इस टिप्पणी से जया बच्चन नाराज हो गई। विपक्षी सांसदों ने भी शिंदे के बयान पर कड़ा एतराज जाहिर किया और इसके बाद शिंदे को जया से माफी मांगनी पड़ी। सर इफ सी हैज हर्ट यू सी आई अपोलोगाइज फॉर दैट प्लीज, शी इज माई सिस्टर, शी इज माई सिस्टर। ठीक है, हो गई बात, हो गई बात। उन्होंने मान लिया, वापिस ले लिया। सर आई वॉज इसी वी आर ऑल कंसर्न विद यू। कल लोकसभा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को आपत्तिजनक बयान देने के बाद यूपीए के अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगनी पड़ी थी और आज कुछ वैसी ही गलती गृह मंत्री शिंदे ने दोहरा दी। हैरानी की बात यह है कि देश के इतने वरिष्ठ राजनेता जनता के सामने ये कैसी नजीर पेश कर रहे हैं।